हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहिल अंसारी में। और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई वैकेंसी को लेकर। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, राजस्थान जो बोर्ड है, अधीनस्थ एवं मंत्रालय बोर्ड जयपुर RSMSSB, उसके द्वारा वैकेंसी निकाली है प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018। वैकेंसी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी है। नॉन TSP एरिया के लिए 954 पोस्ट है और TSP एरिया के लिए 246 पोस्ट है। टोटल 1200 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, ये पूरी सूचनाएँ दी हुई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए वही SSO ID जैसे RSMSSB बोर्ड अपने फॉर्म भरवाता है, सेम उसी तरीके से फॉर्म भरवाएगा। आपको ई मित्र पर जाके आवेदन करना है, SSO ID के माध्यम से आवेदन करना है। उसके बाद ये पूरी वही है, आपको फ़ोटो अपलोड करना है और अपनी जानकारियाँ भरनी है। परीक्षा शुल्क देख लीजिए आप। OBC और क्रीमिलियर के लिए, नॉन जनरल और नॉन क्रीमिलियर के लिए, जनरल और क्रीमियर वर्ग के लिए 450 रुपये लगेंगे। OBC और नॉन क्रीमिलियर वर्ग के लिए 350 रुपये लगेंगे। और ST SC अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 250 रुपये फ़ीस रहेगी। आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखिए, प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, जिसको आप उपलब्ध होने पर अपनी SSO ID के माध्यम से या बोर्ड की एप्लीकेशन ID के माध्यम से निकाल सकते हैं। रिक्त पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि सामान्य के कितने पद हैं, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के और OBC के कितने पद हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, 1200 पदों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया हुआ है। आप वीडियो को स्टॉप करके इसको आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो है उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वही जो बोर्ड के नियम है वो सब नियम लागू होंगे, छूट वगैरह सब वही रहेगी। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता क्या, वेतनमान क्या होगा, वेतनमान 7वें वेतनमान के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित है। और इसके लिए योग्यता क्या क्या चाहिए, तो सीनियर हायर सेकेंडरी अथवा हायर सेकेंडरी वैकल्पिक विषय विज्ञान होना जरूरी है, यानी कि आप साइंस स्टूडेंट होना चाहिए, या तो बायो हो आपके या आप साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हो। उसके अलावा देवनागरी लिपि में ज्ञान कार्य करने का ज्ञान, मतलब आपको हिंदी लिपि का ज्ञान भी होना चाहिए, टंकण लिपि का, और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए, चरित्र का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु दे रखी है आपको, देखिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु है और अधिकतम 40 वर्ष है। उसके अलावा देखिए, कोई भी आवेदक उस भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी 2016 वाली भर्ती के कारण। उसके बाद आगे देखिए आप, ये पूरी डिटेल दी हुई है। उसके बाद परीक्षा का माह और दिनांक, तो परीक्षा संभवतः जुलाई या अगस्त माह में 2018 में कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी तैयारी करने लग जाइए और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आवेदन कैसे करें, तो ये आपको वही ई मित्र पर जाकर SSO ID के माध्यम से आवेदन करना है। तो ये थे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।